क्या हाल है ड्रेविडेकिन्स? ड्रेविडेकिन्स अगर 50,000 तक के बजट में कोई लैपटॉप देख रहे हैं तो आप है एकदम राइट जगह पे, क्योंकि आज आपके लिए लेके आया हूँ 50,000 रुपए मिलने वाले बेस्ट 5 लैपटॉप्स। और ये 5 लैपटॉप्स यहाँ पे बेस्ट फीचर्स के साथ आते हैं। मतलब 50,000 की रेंज सुन के ना लगता है लिमिटेड फीचर्स होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आज आपके लिए लेके आया हूँ जिनमें आपको 12th जनरेशन का i7 प्रोसेसर OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, पावरफुल प्रोसेसर के साथ और पावर एफिशिएंसी भी देखने के लिए मिल रही है। तो आज बात करेंगे इसके बारे में। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ड्राइविंग टेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। चलिए बात कर लेते हैं बेस्ट 5 लैपटॉप्स इन 50,000। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जितने भी लैपटॉप्स मैं आपको बताने वाला हूँ सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में दोस्तों सबसे पहले नंबर पे MSI का लैपटॉप निकल के आता है, MSI Modern 14। ये 1.4 kg का लैपटॉप है जिसमें AMD Ryzen 5 आपको देखने के लिए मिलता है, जो 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स के साथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इनबिल्ट एप्लीकेशंस के साथ आपको देखने के लिए मिल रहा है, MS Office इसमें देखने के लिए मिलेगा, Amazon Prime, Canva जैसा ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। 16 GB रैम और 512 GB SSD इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, 180 डिग्री हिंग के साथ ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको Type A, Type C और इवन SD कार्ड का स्लोट भी देखने के लिए मिलता है। मतलब ये बेस्ट लैपटॉप है स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए, अगर आप 50,000 तक की रेंज में कोई लैपटॉप देख रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारी डिटेल वहां से आके आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे दोस्तों हमारे पास OLED डिस्प्ले के साथ ASUS का लैपटॉप ASUS VivoBook Go निकल के आता है। इस लैपटॉप में आपको 15 इंच का OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक सुपर ब्राइट डिस्प्ले है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। AMD Ryzen 3 7320U का प्रोसेसर, 4 कोर 8 थ्रेड चिप आपको इसमें देखने के लिए मिल रही है, LPDDR5 मेमोरी देखने के लिए मिल रही है, Wi-Fi 6E यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। AMD Ryzen 5 आपको देखने के लिए मिल रहा है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, विंडोज 11, ऑफिस 2021, एलेक्सा बिल्ट इन, ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिल रहा है और 1 ईयर का McAfee एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई OLED डिस्प्ले के साथ मिलने वाले लैपटॉप की, लेकिन अगर आपको चाहिए i7 लेटेस्ट प्रोसेसर 11th जनरेशन तो यहाँ पे हमारे पास है Infinity InBook X2 प्लस। दोस्तों ये लैपटॉप आपको 11th जनरेशन i7 के प्रोसेसर के साथ देखने के लिए मिल जाता है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, USB टाइप ए पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो जैक, HDMI 1.4 स्लोट, 1080 पिक्सल का वेबकैम आपको देखने के लिए मिलता है, एल्यूमिनियम डिजाइन के साथ ये देखने के लिए मिलेगा, बैकलेट कीबोर्ड और अमेजिंग डिजाइन इसका देखने के लिए आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, डिजाइन भी काफी जबरदस्त इसका निकल के आया है। नंबर 4th पे दोस्तों हमारे पास टच स्क्रीन के साथ ASUS VivoBook Flip 14 निकल के आता है, 11th जनरेशन i3 का प्रोसेसर, टच स्क्रीन डिस्प्ले और 360 इंच के साथ ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। टच स्क्रीन मतलब इसको टैबलेट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे Wi-Fi 6E, 8 GB रैम, 256 SSD देखने के लिए मिलती है, टच बेस्ड डिस्प्ले के साथ ये देखने के लिए मिल रहा है और 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इसका एक और वेरिएंट है जो i5 के साथ आपको देखने के लिए मिलता है, उसकी रेंज तकरीबन 60,000-63,000 तक आपको देखने के लिए मिल रही है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों 5th नंबर पे भी हमारे पास ASUS का ASUS VivoBook 14 निकल के आता है, इसमें आपको 12th जनरेशन i3 देखने के लिए मिल रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल रहा है, 8 GB रैम, 512 GB SSD, एक थिन और लाइट लैपटॉप है, ऑफिस 2021 के साथ ये आपको देखने के लिए मिल जाता है और 1.4 kg वेट इसका निकल के आई। ये जितने भी लैपटॉप्स मैंने बताए आपको, इनमें आप बेसिक क्रिएटिव काम और स्टूडेंट्स के लिए काफी बेस्ट लैपटॉप है। तो अगर आप कोई लैपटॉप देख रहे हैं 50,000 के अंडर, 5 में से आप कंसीडर कर सकते हैं, सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपकी नजर में कोई लैपटॉप है जो आप पर्सनली यूज कर रहे हैं और 50,000 तक के बजट में और अच्छा खासा काम कर रहा है, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इनमें से आपको सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा लगा और उसकी कौन सी स्पेसिफिकेशन आपको अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।